साथियों, आप मुझे 32 साल बचपन से जानते हो वैसे तो, लेकिन 32 साल से मैंने राजनीति आपके बीच में करता आ रहा हूं। मैंने हमेशा बहुत ही ईमानदारी की, स्वाभिमान की और सिद्धांतों की राजनीति की है। मुझे नहीं पता जिस प्रकार की खबरें या अखबारों में टीवी में छिपा रहे हैं, काले धन की बात है या और बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। मैंने पाक साफ रखा है। जिंदगी में मैं किसी सरकारी पद पे नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई और पद पे रहा। काला धन आएगा कहाँ से, काला घर कमाएंगे कहाँ से, कुछ कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। लेकिन मेरी छवि खराब करने का बहुत जबरदस्त साजिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा जैसी ईमानदारी की राजनीति की है, आगे उससे बढ़ के ईमानदार राजनीति करके आपको दिखाऊंगा। साफ साफ पाक साफ था, पाक साफ हूं और पाक साफ रहूंगा, ये साबित करके मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी हैरानी की बात है, कह देते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में ईरान का व्यापारी है, तो रही दे पाओगे जी। मेरी लुगाई का एक ईरान की अंगूठी है भाई, ब्याह में दिए। पासपोर्ट भी सरकार के पास, मेरे परिवार में मेरे वो भव्या, मेरा पूरे परिवार में कोई भी आदमी जिंदगी में साउथ अफ्रीका जाना दूर की बात है, वीजा ही लगाना कोई बता दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उसी वक्त। कोई खान खरीदे, कोई धंधो करे आदमी तो देख चीज देख रही खरीदे लो यार, कितने क्या बंद कहीं पर लगा दे। कोई मेहुल चौकसी की बात करते हैं या नीरव मोदी की बात अखबारों में आई, मैं या मेरा परिवार पहली बार जब ये स्कैंडल हुआ नीरव मोदी का और ये जो मेहुल चौकसी का, पहली बार जिंदगी में उनके फोटो मैंने देखे होंगे, मिलना दूर की बात। तो साथियों, सारे मन धड़क बातें हैं, आपका भाई लंबे भाषण में नहीं दूंगा। आपका भाई आगे बेटा एक आने का काला धन कुलदीप बिश्नोई जिंदगी में ना कमाया ना कमाएगा, ये आपके आजादपुर मंडी में खड़ा हो गया बीच में कहते मैं चाहता हूँ। अखबार में कुछ आए, टेलीविजन में कुछ आए, आप किसी भरोसा मत करो, अपने भाई अपने बेटे भरोसा रखो कि कुलदीप बिश्नोई हमारा पाक साफ आदमी। और एक बार पुनः मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय।